Hi students, my name is Faiz Shakir. Welcome to first lesson of your geography, India size and location. बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भारत जो है वह दुनिया में कहां पर स्थित है. मैंने आपको बताया था कि भारत जो है वह नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्थित है. मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि इक्वेटर जो है वह अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड करती है. ऊपर वाला हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाता है, नीचे वाला हिस्सा साउदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है. भारत जो है वह नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्थित है. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी भारत जो है वह साउथ ईस्ट में स्थित है. ये जो है वह हमने इससे पहले वाले वीडियो में किया था, मैंने आपको बताया था. उसके अलावा मैंने और भी बहुत सारी चीज़ों को डिटेल में बताया था. आज के इस वीडियो में हम लोग भारत के साइज को डिस्कस करेंगे. उसके अलावा भारत के जो नेबर्स हैं, जो पड़ोसी मुल्क हैं, उनके बारे में बात करेंगे. कहता है, इंडिया इज द सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाई इट्स साइज. कहता है कि एरिया के हिसाब से भारत दुनिया का सातवां सबसे बड़ा देश है. आबादी के हिसाब से हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े देश हैं चाइना के बाद, लेकिन एरिया के हिसाब से हम दुनिया के सातवें सबसे बड़े देश हैं, सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. पहला जो है वह रसिया है, दूसरा जो है वह कनाडा है, तीसरा जो है अमेरिका है, चौथा जो है वह चाइना है, पांचवा ब्राजील है, छठा जो है ऑस्ट्रेलिया है, और फिर हमारा नंबर आता है. तो इतनी बात समझ में आ गई कि एरिया के हिसाब से हम दुनिया के सातवें सबसे बड़े देश हैं. कहता है, इंडियाज टोटल एरिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड. कहता है कि दुनिया का जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है उसका 2.4% भारत के पास है. मतलब दुनिया में जितनी जमीन है उसका 2.4% जमीन जो है वह हमारे पास है. इंडिया हैज अ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर. कहता है कि भारत की जो लैंड बाउंड्री जो है, जो लैंड बाउंड्री है वह उसका टोटल लेंथ जो है वह 15,200 किलोमीटर है. हमारा जो कोस्ट लाइन है, इसमें अगर हम अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को इंक्लूड कर दें तो उसका जो टोटल लेंथ जो है वो 7,516.6 किलोमीटर है. कहता है क्या, इंडिया इज बाउंडेड बाय द माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट. कहता है कि भारत के नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट में आप देखेंगे कि माउंटेन्स हैं. यानी कहने का मतलब, भारत जो है वह नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट में जो है वह माउंटेन्स से, पर्वतों से घिरा हुआ है. अब हम बात कर लेते हैं भारत के जो नेबर्स हैं, मतलब भारत के जो पड़ोसी मुल्क हैं, उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं. सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे उन देशों के बारे में जिनकी जमीनी सीमा जो है वह हमसे लगी हुई है. इसमें देखेंगे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान नॉर्थ वेस्ट में, यानी कहने का मतलब नॉर्थ वेस्ट में हमारी जमीनी सीमा जो है वह पाकिस्तान और अफगानिस्तान से मिलती है. नॉर्थ में जो है चाइना, नेपाल और भूटान. ईस्ट में जो है हमारी सीमा जो है, जमीनी सीमा जो है वह म्यांमार और बांग्लादेश से मिलती है. तो ये जो है वह वैसे देश हैं जिनकी जमीनी सीमा, या हम कहें कि हमारी जमीनी सीमा जो है वह उनसे मिलती है. कौन कौन से हैं? नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, नॉर्थ में ऊपर, नॉर्थ में आप मैप में देखिएगा कि ऊपर जो है वह नॉर्थ होता है, नीचे जो है वह साउथ होता है. तो आप देखेंगे कि नॉर्थ में चाइना, नेपाल और भूटान से हमारी जमीनी सीमा मिलती है, और ईस्ट में आप देखेंगे कि म्यांमार और बांग्लादेश से हमारी जमीनी सीमा मिलती है. उसके अलावा
दो देश ऐसे हैं जिनसे हमारी जमीनी सीमा तो नहीं मिलती है, लेकिन आप देखेंगे कि ये भी हमारे पड़ोसी देश हैं। ये जो है इसमें जो है श्रीलंका, साउथ में अगर चले जाए आप समंदर की तरफ, तो आप देखेंगे कि श्रीलंका और मालदीव जो हैं ये भी हमारे जो है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अहम जो है पड़ोसी देश हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा कि भारत जो है वह दुनिया का सातवां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से, साइज के हिसाब से। फिर हमने पढ़ा कि दुनिया का जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है उसका 2.4% भारत के पास है। हमने पढ़ा कि भारत का जो लैंड बाउंड्री है उसका टोटल लेंथ 15,200 किलोमीटर है। हम जो कोस्ट लाइन जो है, अगर उसमें अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप को अगर आप ऐड कर दें, तो टोटल जो हमारा कोस्ट लाइन जो है उसका लेंथ जो है वह 7,516.6 किलोमीटर है। ठीक है, द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द मेन लैंड इज 7,516.6 किलोमीटर इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप। फिर मैंने आपको बताया कि नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में, भारत के नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में आप देखेंगे कि माउंटेन्स हैं। यानी कहने का मतलब नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में भारत जो है वह माउंटेन से घिरा हुआ है। फिर मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश से हमारी जमीनी सीमा जो है वह मिलती है। श्रीलंका और मालदीव भी हमारे जो है वह इम्पोर्टेंट नेबर्स हैं, हालांकि इनसे हमारी जमीनी सीमा नहीं मिलती है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा।